आईएमसी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसलिंग के प्रमुख द्वारा आगामी 21 जुलाई को बरेली में धर्म परिवर्तन करने वाले प्रेमी जोड़ों के विवाह को लेकर सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर अब हिंदू संगठन विरोध करने पर उतर आई हैं। इसी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने की मांग की गई है। इसी के साथ संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ये अनुमति रद्द नहीं होती है तो हिंदू महासभा कार्यक्रम स्थल पर ताला डालने का काम करेगी। संस्था ने इस पूरे आयोजन को लव जिहाद से जोड़कर कहा कि इस तरह के आयोजन से हिंदू धर्म की बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा और समाज में गलत परंपराएं शुरू होंगी। देखिए, देवबंद उलेमा नाम का एक संगठन है जो बरेली के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में देवबंद उलेमा काम कर रहा है। देवबंद उलेमा नाम ही विवादित है और इसके जो अध्यक्ष है तौहीद रजा, वो तो चर्चाओं में रहने का उनको लगभग इतना शौक है कि कुछ भी अनाउंस कर देते हैं। वो देवबंद उलेमा के तार पहले भी कई इस्लामिक देशों से जुड़े हैं, इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे संगठन ने जिस प्रकार से अनाउंस किया है कि लव जहाज, जो भी देश के अंदर लव जिहाद है, वो एक सामूहिक विवाह 21 जुलाई को आयोजन करने जा रहा है। हिंदू महासभा उससे पूछना चाहता है तौहीद रजा से, क्या आप देवबंद उलेमा तौहीद रजा, क्या आप लव जिहाद के ठेकेदार हैं क्या? क्या हिंदू सनातनी जितना भी आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको मालूम है देश के किन किन हिस्सों में लव जिहाद चल रहा है और वो उनकी आप शादी कराने का आप ठेका ले रहे हैं? हिंदू महासभा बरेली जाकर एसएसपी को तहरीर देगी तौहीद रजा पर राजद्रोह का मुकदमा हो, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम व विवाह पर सामूहिक रूप से तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया आगरा जिलाधिकारी महोदय को, और अगर फिर भी शादी होती है और बरेली का प्रशासन इस कार्यक्रम की अनुमति देता है तो हम प्रशासन के लिए खुली चेतावनी है, ऐसे जहाँ पर विवाह हो रहा है इस स्कूल में, उस स्कूल में ताला डालने के साथ साथ अगर जरूरत पड़ी नारी के सम्मान में, बहन बेटी के सम्मान में, सनातन संस्कृति को बचाने के सम्मान में, तो हिंदू महासभा पंडाल में आग लगाने का भी काम करेगी। लेकिन किसी भी कीमत पर लव जिहाद जैसे बहन बेटियों को शिकार होकर सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति किसी को नहीं देगी। कि अगर वो जो हरकत कर रहा है, यानी भारत में रह के लव जात को जो बढ़ावा दे रहा है, मेरे चाची उसको नहीं देना चाहिए। और बरेली प्रशासन को ये सारी चीज़ दिख रही है कि उनने ऐसी अनुमति कैसे दे दी, यानी कि उसका कहना यह है कि 6 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं, अगर ये प्रशासन ने बरेली के लिए नहीं रोका तो मजबूरन मीना दिवाकर चैलेंज करती है कि ये एक और मुद्दा, यानी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा एक भारत की नारी को मीना दिवाकर लेकर उठाएगी, जो कि इस लव जात को जो छिन्न भिन्न करने का हिंदू धर्म की बेटियों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, इसको नहीं होने देगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।